जय परोपकार, जय परोपकार। आप देख सकते हो एक छोटा सा जीव जिसको के वानर बंदर कहा जाता है, मनुष्य की बहुत ही पुराने पूर्वज। अब देख सकते हो किस तरीके से इसके हाथ में चोट लगी हुई है। पता नहीं इसके साथ क्या हादसा हुआ है, लेकिन यदि हादसा जिंदगी में किसी के साथ गुजर जाता है तो उसको भूल पाना बहुत ही मुश्किल कार्य। बहुत ही छोटा बच्चा, अभी कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ पर इसको ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हो इसके हाथ को देखने के बाद किसी हड्डियाँ निकली हुई हैं और इसका ये हाथ पूरा जा चुका है, डैमेज हो चुका है। तो बहुत ही मुश्किल कार्य होगा यहाँ पर इसको ठीक कर पाना। कोशिश, प्राथमिक उपचार हम लोग देंगे, लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी हम कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें जिस लायक बनाया है, वह कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्रेम रखते हैं जीव में। मेरा सैंपल कस्बा बंदरों के लिए जाना और पहचाना जाता है, ब्रज क्षेत्र। इन बच्चों ने इसका जो भी खाने पीने का इंतजाम था वह सब कुछ किया, जो भी ये कर सकते हैं। क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में कहता रहता हूँ कि जब भी बच्चा मनुष्य छोटा होता है तो मैं कहूँगा कि मनुष्य को जीवन भर छोटा ही रहना चाहिए। आप देख सकते हो बड़ा पूरा कस्बा होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको भीड़ दिखाई देगी वह इन बच्चों की दिखाई देगी, क्योंकि संवेदना जो होती है वह बहुत थोड़ी उम्र तक ही साथ दे पाती है। उसके बाद संवेदना तो होती है, लेकिन वह संवेदना फिर क्या काम करती है और कहाँ पर खो जाती है, बता पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा मेरे लिए। घाव काफी गहरा, और बोला जाएगा कि क्या करूं मैं, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक मात्र सेवक हूं, मैं भी बहुत छोटे स्तर पर सेवा देता हूं। जो भी है, जितना भी है, मैं भी करूंगा, फिर बच्चे स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा, वहां पर उसका जीवन सुरक्षित हो भी सकता है। कि ये गलाफ पड़ चुका है पेट में, बहुत ही दर्दनाक दयनीय स्थिति। कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसको क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत दान और पुण्य करने वाले होते हैं, और बहुत ही गीता और भागवत के उपदेशों को सुनने और समझने वाले होते हैं, लेकिन इस जीव की जिंदगी बचाना बहुत ही मुश्किल दुष्कर कार्य। इसकी जिंदगी बचाने के लिए प्रयास तो बहुत ही कड़ा होगा, लेकिन इसके पास तक आना और इसके दर्द को समझना, यह भी तत्काल में इतनी संवेदना भी किसी के हृदय में होना बहुत बड़ी बात। करूँगा यहाँ पर इसको जो भी हम साफ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अनुभव की और बहुत ही मैं बोलूँगा कि देखभाल की आवश्यकता है इसको। गहरी जख्म है, इसका दर्द समझ सकता हूँ मैं। क्या कर रहे हो, पकड़ना रहे तो रहने दो, रहने दो, रहने दो। अभी मैंने तू बांध खड़ी कर दी बेटा, पूरे आते ले बंदर हो आ जाएंगे। हां ये रे तेरे तीन आए सो सुबह ते आओ गांव में वीडियो जान तो तंग सेफ कमरा है, बिल्कुल मैं उड़ारी नहीं भेजूं। तू कहीं मरी जा रहा है, हां ऊपर रही हो तू, देखो ना यार, देखो ना मैं चिल्ला रही हूं यार, मन नहीं है कुछ, कितनी गल मां देख रहे अरे परोपकार या परोपकार। आप देख सकते हो कल एक बालर का मैं हाल दिखा रहा था, बहुत ही दर से बेदर दिखाऊंगा। जब मैं इसको हॉस्पिटल लेके पहुंचूंगा तो इसकी आंतें बाहर निकल जाएंगे, पेट की खाल से पेट बाहर निकल के आया है। हो सकता है कि मर जाए, हो सकता है कि बच जाए, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो ईश्वर देता है। लेकिन सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि इतने बड़े हादसे को देखकर भी मनुष्य का दिल नहीं पिघलता है, और कहूँगा कि जिस चीज़ के लिए मनुष्य जाना जाता है वह होती है संवेदना। किस तरीके से मुँह बनाता है और मुँह मिचकाता है, जैसे कि कितने दर्द से करा रहा हो, लेकिन कैसा ढोंग करता है यह मनुष्य, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ नायाब तोहफा। कहा नहीं जा सकता कुछ भी, लेकिन दिल कहता है तो मैं कहता हूँ। अब आप समझ सकते हो कि इसकी ज़िंदगी को बचाने से ज़्यादा और क्या कोई ज़रूरी काम होगा मनुष्य के पास, कि एक जीव की उसके आँखों के सामने उसकी बस्ती में
तड़प तड़प के दम तोड़ने के लिए तैयार है। मैं गया, मैं पहुंचा, मैंने लोगों से बात भी की और कह के भी आया कि इसको हॉस्पिटल की बहुत ही अति आवश्यकता है, आप देख सकते हो। तो बस इस इंतजार में कि ये अब मर जाए, अब मर जाए, और कुछ बस खाली मोहल्ले के बच्चे वह भी खेल समझ के इसके पास तक खड़े हुए थे। लेकिन जो भी समझदार व्यक्ति है, मैं कहूँगा वो समझदारी ईश्वर किसी को भी ना दे, जो भी समझदार व्यक्ति है वह कोई भी पास आने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि हम अगर इसके पास जाएंगे तो हो सकता है हमें कुछ देना पड़े। और समझ सकते हो आपके वह धन कितने दिन तक काम आता है, और उस धन से आदमी यहाँ से क्या लेके जाता है, और वह धन क्या होता है जो किसी की सेवा में भी कार्य काम ना आ सके। तो अभी मैं इसको ले जा यहाँ से ले जाऊँगा वाइल्ड लाइफ केयर, यह पड़ता है लगभग मेरे यहाँ से दूर पड़ेगा वो, यह मथुरा, मथुरा से फरह, फरह के पास जाके यह हॉस्पिटल पड़ेगा। बाइक है मेरे पास, मैं बहुत ही किस प्रकार से सेवा कर सकूँ, लेकिन किसी की जान की है तो मैं कोशिश करूंगा। मैं एक बार फिर अपनी वीडियो के माध्यम से सारे लोगों से निवेदन करूंगा, तो आपके आसपास कहीं भी कोई भी बेजुबान निराश घायल जीव के प्राण संकट में हो तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुंचाई जा सकती है। जय परोपकार, जय परोपकार। आप देख सकते हो कितनी रात हो चुकी है, हमें यहाँ पर इसको लाते लाते, यह वह स्थान मथुरा के पास जहाँ पर के बंदरों का बनाया हुआ है वाइल्ड लाइफ के द्वारा, एक बंदर की जान बचाने के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ा। देख सकते हो आप लोग, आप देख सकते हो पूरी मेहनत की इनका बना हुआ हाथियों का हॉस्पिटल है ये, जहाँ पर के हाथियों का इलाज किया जाता है। हनुमान जी आप से ज़्यादा देख जाए की स्थिति क्या है। ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके आसपास भी ऐसा कोई जीव होता है, कोशिश कर सकते हैं हम लोग इसकी प्राण बचाने की कोशिश की, यदि समय से हमें सूचना मिलती हो सकता है कि हम इसको समय से पहुँचा देते। वाइल्ड लाइफ सेंटर है ये मथुरा में, यहाँ पर हम इसको लेके आए, तो कोई भी ये सेवा कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम करें, बहुत बड़ा सेंटर है, किसी मनुष्य ने चलाया होगा वो कहूँगा मैं कि धरती पर भगवान से भी बड़ा काम कर रहा है जिस किसी ने भी सेंटर चलाया। सारे भाई लोग बहुत ही सेवा देते हैं, आप देख सकते हो इसके भाई ऐसे फोटो मत, फोटो नहीं खींचना है, समझ रहे हो, कपड़ा भी उस पर ही डाल दो सर।